जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैन्यो लाडो लाडियो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का हमारा वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी की इस भर्ती को लेकर है। आपने एक देखा होगा एसएससी जीडी ने अगली साल की भर्ती भी लॉन्च कर दी। अभी आप सबके सामने एसएससी जीडी 2023-24 इसलिए बोल रहा हूँ, भर्ती आ रही 23 में, कंप्लीट 24 में होगी और अगले साल की जो अनाउंसमेंट है 2024 वाली भर्ती उसकी भी हो चुकी है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको इस वाली भर्ती के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। ये वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये भी है, बहुत सारे बच्चे जिनका दिल्ली पुलिस का पेपर हो गया है, जो बच्चे सिर्फ एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हैं, वो इस समय तक भी अभी सचेत नहीं हुए एसएससी जीडी की भर्ती को लेकर। जबकि आप सबको ये पता होगा कि आने वाले 24 तारीख को, यानी जो अभी 24 नवंबर आपके सामने आ रही है, इस 24 नवंबर को आपकी एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आने वाली है। ठीक है, नोटिफिकेशन आपकी आने वाली है 24 तारीख को। अभी भी कई ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस का पेपर देके आराम कर रहे हैं, तो जो बच्चे दिल्ली पुलिस के अभी अभी पेपर दे रहे हैं उनको अभी इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए, साथ ही उनको अपने फिजिकल की तैयारी भी करनी चाहिए। लेकिन हाँ, एसएससी जीडी की तैयारी आपको करनी ही चाहिए। लेकिन जो बच्चे इसको टारगेट बना रखें उनको बता दूं कि ये वैकेंसी 100% 24 तारीख को इसकी नोटिफिकेशन लॉन्च हो जाएगी, 24 तारीख से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएगी। एज को लेकर आप सबके सस्पेंस बना हुआ है, इसको लेकर मैंने आरटीआई भी लगाया था जो आपको दिखाई थी, लेकिन किसी भी आरटीआई का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। हो सकता है कि एज में छूट मिले या ना मिले, ये अभी तक निश्चित नहीं हो सकता। ठीक है, कितने पदों पर भर्ती रहेगी, ये हो सकता है कि अगली वैकेंसी अभी दे दी तो इस बार पोस्ट ऑफ वैकेंसी कुछ कम रहे, जैसे हमेशा मैं बोलता हूं कि हो सकता है कि 50,000 प्लस रहे, तो इस बार क्योंकि अगली वैकेंसी जस्ट इसके पास में ही दे दी है, ये वैकेंसी कंप्लीट होते ही अगली वैकेंसी दी हुई है, तो हो सकता है कि पोस्ट ऑफ वैकेंसी 50,000 से नीचे रहे, इसलिए आपको ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, जो भी बच्चे एसएससी जीडी में अपना नंबर पक्का करना चाहते हैं, आपको इसका हाइट क्राइटेरिया सबको पता है, इसका फिजिकल क्राइटेरिया भी आप सबको पता है, अब सिर्फ आपको तैयारी पर ध्यान देना चाहिए इस समय। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफ वैकेंसी कम रहेगी, अगली वैकेंसी पहले ही लॉन्च कर दी एसएससी ने। सबसे खास बात इस बार यह है कि एसएससी ये वैकेंसी विदन 1 ईयर कंप्लीट करने जा रही है, यानी एक साल के अंदर अंदर सारी कार्रवाई हो जाएगी। पहले पेपर हो जाएगा आपका फरवरी में, पेपर की भी डेटें आ चुकी है, आपको पता है फरवरी और मार्च में आपका पेपर है। ठीक है, पेपर की डेट अनाउंस हो चुकी है, मई के अंदर आपका फिजिकल होगा और अगस्त के अंदर आपका होगा इसका मेडिकल। इतनी जल्दी जल्दी पूरी की पूरी कार्रवाई है, वैकेंसी अच्छे पदों पर रहेगी, हो सकता है कि 50,000 से कम रहे, लेकिन मैं ये बोलता हूं अगर ये वैकेंसी 30,000 प्लस पदों पर भी आती है तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, तो अभी आपको पूरा फोकस इसकी ओर ले आना चाहिए, रात दिन मेहनत करनी चाहिए। आपके पास में 2 से 2.5 या 3 महीने का लास्ट समय है, उसमें बढ़िया से मेहनत करनी चाहिए। एक काफी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे इस बुक के लिए, क्योंकि जिन बच्चों ने पहले ले ली थी वो काफी अच्छे डिस्काउंट में मिल गई थी, अभी इसकी फेसबुक पर जो फ्लिपकार्ट पर जो इसकी प्राइस है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, तो आप ये बुक अमेजन से ले सकते हैं। इसमें है क्या, 2023 वाले पूरे के पूरे ओल्ड पेपर की ये बुक है। ठीक है, पूरे के पूरे ओल्ड पेपर की ये बुक है, आप ये बुक ले सकते हैं अमेजन से। ठीक है लाडू, तो जो भी बच्चा ये बुक लेना चाहता है अमेजन पे आपको जाके लिखना एसएससीडी 2024 बुक या विराट सर बुक, आपको मिल जाएगी। ध्यान रखना लाडू, जो भी बच्चे जिनकी एज 18 से 23 अगर जनरल कैटेगरी से है, अगर ओबीसी से 26 और एससी एसटी से 28, इन बच्चों को अभी टूट कर तैयारी में लग जाना चाहिए। सबसे पहले आपको अगले 45 दिन में कोर्स पर ध्यान देना चाहिए कि पूरा कोर्स करें। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। जो नए बच्चे उनको मैंने बताया ऑफलाइन कोचिंग आपको ज्वाइन करनी चाहिए, अगर बच्चे पहले से तैयारी किए हुए वो ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन पर अग्रिम बैच के करके चल रहा है एसएससी जीडी का, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगले 45 दिन तक कोर्स पर ध्यान देना चाहिए और उसके बाद में फिर आपको केवल और केवल प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए इस बार एसएससी जीडी में। ठीक है, एज की जो आरटीआई है उसका कोई अभी तक रिप्लाई आया नहीं है, तो हो सकता है कि एज में शायद इस बार छूट मिले या नहीं मिले, ये अभी क्लियर नहीं है लाडो। ठीक है, तो जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि अब आप इसकी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अभी कोई भी मुझे बच्चा एसएससी जीडी की तरफ ज्यादा पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा है। आपको बिल्कुल अब ध्यान देना चाहिए, अंतिम समय है आपके पास में, जो ध्यान दे लेगा उसका काम हो जाएगा, और नहीं तो ये 15-20 दिन ऐसे निकाल दोगे फिर कोर्स भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसी समय आपको पूरा का पूरा फोकस करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।